एंड वेलकम टू माय चैनल गीकलीक्स नेटवर्क। सो लास्ट टाइम हमने नेटवर्क फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि नेटवर्क फाउंडेशन क्या होता है, ठीक है, और उसमें हमारे कितने टाइप्स के ट्रैफिक फ्लो करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, ओके। और हमने ये भी देखा था कि हम अपने नेटवर्क को मतलब सिक्योर करने के लिए हमें नेटवर्क फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। और हमने अपने कंट्रोल सॉरी मैनेजमेंट प्लान को अपने कंटिन्यू रखा था। तो आज का टॉपिक है हमारा NFP, नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन, ठीक है। नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन NFP, ठीक है। नेटवर्क फाउंडेशन तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन से ही किया था, ठीक है। प्रोटेक्शन का मतलब हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे प्रोटेक्शन का अपना अलग अलग मतलब समझता है, बट नेटवर्किंग में इसका एक अलग मतलब है, ठीक है। सो इस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन के बारे में। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज प्रोटेक्शन? एंड व्हाट वी हैव टू प्रोटेक्ट? एंड हुम वी हैव टू प्रोटेक्ट? नेटवर्क सॉरी प्रोटेक्शन क्या है, हमें क्या प्रोटेक्ट करना है, एंड किससे प्रोटेक्ट करना है, ओके। सो वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन एंड डेटा डेटा एक्सचेंज बिटवीन द टू एंड मोर डिवाइसेस। From the attackers, okay। हमें अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है, कम्युनिकेशन को, डेटा एक्सचेंज होते हैं दो या दो से ज़्यादा डिवाइस के बीच में, उन्हें मतलब सिक्योर करना है किससे, अटैकर से, ठीक है। सो टेल मी What is data? क्योंकि हमें डेटा सिक्योर करना है, एक्सचेंज को डेटा एक्सचेंज को मतलब सिक्योर करना है, तो आपको डेटा का मतलब भी पता होना चाहिए कि डेटा होता क्या है। सो टेल मी व्हाट इज डेटा? डेटा इज collection of information in the form of bits and bytes over the link as is no data। जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा डेटा, जो बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म पे लिंक पे मतलब ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है।
और ये आपके होते हैं दो टाइप्स के, डेटा हैव टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज मूविंग डेटा, द सेकेंड वन इज सॉरी डेटा एट रेस्ट। अब हमारा मूविंग डेटा क्या होता है और डेटा एट रेस्ट क्या होता है। मूविंग डेटा क्या हो गया कि सपोज दैट ये मेरा एक पीसी हो गया, ओके ये मेरा पीसी हो गया और ये मेरे पे एक पेन ड्राइव है, ठीक है। अब मुझे इस पीसी से मुझे मतलब कोई डॉक्यूमेंट चाहिए और पेन ड्राइव के थ्रू, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रैवलिंग होगी डेटा की उसे कहते हैं मूविंग डेटा, ठीक है। और ये हमारा एक सर्वर है, यहाँ पे मेरा मतलब कंपनी का बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है तो वो सर्वर में स्टोर है, उसे हम कहते हैं डेटा एट रेस्ट, ओके। तो अब हम देखते हैं जो हमारे नेटवर्क में डिवाइसेस के बीच में कितने टाइप्स की मतलब कम्युनिकेशन होती है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस द नेटवर्क, देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ डिवाइस कम्युनिकेशन। ओके द फर्स्ट वन इज यूजर टू लोकल सर्वर, द सेकेंड वन इज यूजर टू अदर कंपनी लोकल सर्वर, थर्ड वन इज यूजर टू पब्लिक सर्वर, ठीक है। अब इस बात को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सपोज दैट दिस वन इज माय आईएसपी, ओके दिस वन इज माय आईएसपी एंड दिस वन इज माय साइट ए एंड दिस वन इज माय साइट बी, राइट। And this one is my switch and these are user, and this is local server, okay, same is here, switch, PC, एंड लोकल सर्वर एंड दिस वन इज आवर पब्लिक सर्वर,
ओके, लाइक फेसबुक, यूट्यूब एंड वट एवर। दिस इज कनेक्टिविटी। ओके, आईएसपी साइट ए, साइट बी। ओके, प्राइवेट सर्वर, और ये हैं आपके पब्लिक सर्वर, एंड दिस वन इज प्राइवेट। ओके, अब आप कम्युनिकेशन देखिए। फर्स्ट वन इज लोकल टू, सॉरी, यूजर टू लोकल सर्वर। दिस वन इज माय यूजर। ओके, दिस वन इज माय यूजर एंड दिस इज साइट ए एंड दिस वन इज साइट बी। ओके, दिस वन इज माई यूजर और ये यूजर मेरा इस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। ये हमारा एक टाइप का कम्युनिकेशन हो गया। अब यूजर टू अदर कंपनी लोकल सर्वर, अब मेरा यही यूजर ISP के थ्रू इस प्राइवेट सर्वर से बात कर रहा है, मतलब साइट बी के। सेकेंड टाइप का कम्युनिकेशन, ठीक है। थर्ड टाइप का कम्युनिकेशन अब किस तरह का मिलेगा कि मेरा यही यूज़र मतलब मेरे ये ISP के पब्लिक सर्वर को यूज़ करेगा, जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब एंड कोई भी सर्वर, मतलब समझ लो आप, ठीक है। सो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाउ टू सिक्योर योर डेटा। इट्स कैन बी अचीव्ड इन थ्री वेज। The first one is controlling access such that only authorized users can access my server. Okay, the second one is secure your box from the attackers. Okay, the third one is encrypt the traffic if it traveling traveling over the
पब्लिक नेटवर्क मीन इंटरनेट, सॉरी मीन्स इंटरनेट, ओके। सो ये तीन टाइप्स के टाइप से हम नेटवर्क को अपने ना सॉरी डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। पहला तो जो मतलब हम एक्सेस को कंट्रोल करें कि जो ऑथराइज यूज़र है वही एक्सेस कर पाए, ठीक है। दूसरा क्या है कि अपने बॉक्स को मतलब अटैक से मतलब दूर रखें, मतलब दूर क्या मतलब प्रोटेक्ट करें सॉरी, ठीक है। और ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करें, जब आप मतलब कोई ट्रैफिक जो आपका ओवर द पब्लिक नेटवर्क से ज़्यादा है मतलब इंटरनेट से, ठीक है। सो ये इतना तो काफ़ी है, ठीक है। सो आज हम देखेंगे फिर, जैसे कि हमने मैनेजमेंट प्लेन, डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन, ठीक है। सो हम कंटिन्यू करेंगे अपना डेटा, हाँ सॉरी मैनेजमेंट प्लेन से, ठीक है। हम मैनेजमेंट प्लेन कंटिन्यू, पहले प्रोटेक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर डेटा प्लेन, फिर कंट्रोल प्लेन, ठीक है। इस तरह से हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो मैनेजमेंट प्लेन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैनेजमेंट प्लेन प्रोटेक्शन में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। टेलनेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। SSH के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिपल ए सर्वर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और पार्शल व्यू के बारे में पढ़ेंगे, सिसलॉक सर्वर, ओके, एंड NTP एंड SNMP, ठीक है। तो आज हम टेलनेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, टेलनेट से स्टार्ट करते हैं। सो टेलनेट तो आप सभी को पता है कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड कॉन्फ़िगरेशन, ओके। टेलनेट इज लेयर 7 प्रोटोकॉल, ओके। वर्क ऑन TCP, पोर्ट नंबर 23, ओके। सो अब देखते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि हम टेलनेट कैसे इनेबल करते हैं, कुछ इस तरह। लाइन VTY 0 to 4, ओके। पासवर्ड सिस्को एंड एग्जिट, राइट, ठीक है। और आखिर कंसोल से एक्सेस कर रहे हैं तो आप कैसे करते हैं, इस तरह से पासवर्ड सेट करते हैं हम कंसोल पोर्ट पे, राइट। अब आप एक बात ध्यान करिए,
कि लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन से आप क्या समझते हैं कि लाइन क्या होता है। व्हाट इज लाइन VTY 0 to 4? ओनली व्हाट इज लाइन VTY? लाइन VTY इज अ सॉफ्टवेयर। That run in the box line BTY is a software that run in the back end of the device. The work of software to give the CLI access of the devices key लाइन बी टी वाई कुछ नहीं है, बस ये हमारे एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डिवाइस के बैकएंड पे चलता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैंने ये एक्सपेंड खोला हुआ है, तो लिनक्स लिनक्स का नहीं चाहता मैं, विंडो बता रहा हूँ। आखिर विंडो में आपने मान लो GNS खोला हुआ है, जब आप राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर जाते हो तो वो देखता है कि आप बैकएंड में एक प्रोसेस रन हो रहा है, उसी तरह से ही लाइन बी टी वाई का प्रोसेस चलता है। जब आप इसे इनेबल करते हो लाइन VTY 0 to 4, तो ये सॉफ्टवेयर बैकएंड में इनेबल हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, सपोज दैट ये एक राउटर है, ये मेरा कंसोल पोर्ट, ठीक है, और ये मेरे डेटा इंटरफेस की, ओके। कंसोल हो गया पे, ठीक है, FA1Y0Y1, ओके, FA1Y0Y2, FA1Y0Y3, ओके। अगर कोई यूज़र डिवाइस के पास में है तो वो कंसोल पोर्ट से बाय डिफॉल्ट एक्सेस ले सकता है, ठीक है। अगर कोई यूज़र मतलब डिवाइस के पास फिजिकल प्रेजेंट नहीं है तो वो तो मतलब उसके इस डेटा इंटरफेस से मतलब एक्सेस ले सकता है उसका विद द हेल्प ऑफ टेलनेट और SSH। पर डेटा इंटरफेस पे आपको टेलनेट इनेबल करने के लिए इस कमांड की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, लाइन VTY, ठीक है। लाइन VTY का मतलब तो हमने समझ लिया, अब 0 to 4 का मतलब क्या होता है? जीरो टू फोर, ओके, इसका मतलब क्या होता है हमारे, ठीक है, 0 to 6, ठीक है, 0 to 9, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है कि 0 to 4 का मतलब ये होता है कि 5 यूजर कैन एक्सेस, ठीक है, 0 to 6 का मतलब होता है कि 7 यूजर कैन एक्सेस, ठीक है, 0 to 9 का मतलब होता है कि 10 यूजर इसे एक्सेस कर, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को हम देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट,
ओके सो आवर टास्क लाइक दिस दिस वन इज माई आर वन एंड सॉरी 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 आंडू ठीक है एंड दिस वन इज माई यूजर पी सी दिस इज कनेक्टिंग ओके आर वन यूजर वन द यूजर आई पी टू ओके स्लैश 24 आर वन कन्फिग हैश ठीक है कैसे इनेबल करते हैं लाइन वी टी वाई 0 to 4 राइट ये हमारा हो गया लाइन मोड। कई बार इंटरव्यू में ये भी ध्यान रखना कि पूछ भी लेते हैं कि कि आखिर आपने लाइन बी टी वाई एंटर मारा तो आपके इस मोड पर किस तरह से मतलब एक्सेस होगा वो दिखने में कैसा होगा तो आपको कभी कभी लिखवा भी लेते हैं इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्या लिखते हैं या तो हम यहाँ ले सकते हैं यहाँ पे लॉग इन ले सकते हैं ठीक है या तो लिख दो नो लॉग इन ठीक है या लिख दो आप लॉग इन लॉकल ठीक है। अब इनका मतलब क्या है नो लॉग इन का मतलब है नो यूजर नेम नो पासवर्ड ओके। लॉग इन का मतलब है Only ask password कि डिवाइस सिर्फ आपसे सिर्फ पासवर्ड पूछेगा और कुछ नहीं। लॉग इन लोकल का मतलब होता है कि आपसे वो यूजर नेम भी पूछेगा एंड पासवर्ड भी ठीक है। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को देखते हैं एक बार ठीक है। होस्ट नेम पहले डिफाइंड है इसमें तो एक काम करते हैं हम इंटरफेस को आईपी दे देते हैं 10.10.10.1 ठीक है ओके 255.255.255.0 नो शट ठीक है। अब हमें क्या करना है टेन नेट को इनेबल करना है 0 to 4 ओके। अब देखिए आप यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं नो लॉगिन कमांड भी एंटर मार सकते हैं और लॉगिन लोकल को भी एंटर मार सकते हैं। अब मैं आपको इस कमांड का मतलब बताता हूँ नो लॉग इन का मतलब क्या होता है नो पासवर्ड और लॉग इन का मतलब क्या होता है ओनली पासवर्ड। ओनली पासवर्ड का मतलब ये है कि आपसे सिर्फ यूजर नेम नहीं पूछेगा सिर्फ पासवर्ड पूछेगा जो कि आपको लाइन बी टी वाई में जाके सेट करना पड़ेगा उसे। तो कमांड चलती है लाइन बी टी वाई में पासवर्ड और फिर पासवर्ड का जो आपको देना है
ठीक है। लॉग इन लोकल का मतलब है कि आपसे वो यूज़र नेम भी पूछेगा और पासवर्ड भी, ठीक है। तो मैं तो अभी पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर आप इस चीज़ को ट्राई कर लेना, ठीक है। लॉग इन लोकल, ओके। ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, मैंने आपको इसके बारे में बताई है, ठीक है ना। एक्सिट, अब मुझे एक यूज़र नेम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने बना दिया यूजर अजय, ठीक है, पासवर्ड सिस्को, ठीक है। अब एक काम करिए, आप आ जाइए पीसी पे, पीसी पे आपको सॉरी आपको आईपी देनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से शायद मैंने पहले आईपी दी हुई है इसके अंदर, हाँ एक मिनट वेट करिए। हाँ मैंने आईपी दी हुई है इसमें पहले से ही, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अब पहले चेक करनी है आपको कनेक्टिविटी। ओह पिंग आ रहा है, ठीक है। अब आप टेलनेट करने सॉरी टेलनेट करने से पहले ना यहाँ पे कैप्चर कर लीजिए आप, ये सिर्फ लिनक्स में पूछता है था वाई फाई कौन करते हो, तो ईप का सिर्फ पासवर्ड डालना पड़ता है आपको इसमें, ठीक है। वाई शार्क हो गया मेरा ऑन, ठीक है, वाई शार्क हो गया ऑन। अब एक काम करिए, आप यहाँ पे राउटर का आईपी एंटर मारिए और टेलनेट लीजिए आप। यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, यूजर नेम अजय, पासवर्ड इज CISCO सिस्को, एक्सेस हो गया। अब नीचे आइए, फॉलो पे जाके TCP स्ट्रीम पे करिए। देखो अब आप देख सकते हो कि यहाँ मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों शो कर दिया। ये सिर्फ मेरा दिखाने का पर्पस ये था कि आप ये देख सकते हैं कि टेलनेट का ट्रैफिक प्लेन टेक्स्ट में आता है। अगर सोचो कि कोई भी अटैकर मतलब मेरा यूज़र नेम पासवर्ड मतलब उसे वो कर ले, हैक कर ले, तो वो तो मतलब मेरा आईपी स्नूप करके ही मतलब यूज़र नेम पासवर्ड मतलब उस डिवाइस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो मेरा पर्पस सिर्फ यही था इसे बताने का कि टेलनेट का जो टेलनेट रियल एनवायरनमेंट में कभी भी डिप्लॉय नहीं होता है, और जब तब की तो जब भी यूज़ नहीं होता है, जब आपको कोई डिवाइस एक्सेस करना है वो भी ओवर द इंटरनेट, तो कभी भी यूज़ नहीं करता, इसलिए हम SSH यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ उसके अंदर, जैसे मैं सभी मतलब पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ कमांड सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, ओके। अब यहाँ देखिए दो यूज़र हैं, दोनों के दोनों इनक्रिप्ट है, ठीक है। सो अब आप सोचोगे कि तो मतलब आप जैसे तो मतलब कोई देख नहीं सकता, पहले तो मैं आपको इस 7 का मतलब बता दूँ। जिस तरह MD5 होता है ना, उसी तरह सिस्को का है 7, ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है ना, जो ट्रैफिक को इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज होते हैं। जैसे MD5 हो गया आपका, ठीक है ना, शाह हो गया, उसी तरह आपका ये 7 है सिस्को का प्रोप्राइटरी, पर कोई यूज़ नहीं करता इसे, आपको पता चल जाएगा क्यों, ठीक है। आप सोचोगे अब तो मेरे को यूज़र इसका पासवर्ड तो पता नहीं चलेगा, नहीं अजय क्या है, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको देखो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ मैं, की चैन सिस्को नो नेम ऑफ की सॉरी चैन की चैन गीक ओके की 1 राइट की स्ट्रिंग 7 और आपको जिसका पासवर्ड डिक्रिप्ट करना है उसकी मतलब इनक्रिप्शन को आप कर लो कॉपी और यहाँ मारो पेस्ट, ठीक है। उसके बाद एग्जिट कर दो, उसके बाद आपको कमांड एंटर मारनी है शो की चैन, ठीक है। और जो आपने नाम दिया यहाँ पे, जैसे मैंने गीक दिया था यहाँ पे, तो आप यहाँ दे दो गीक, तो आपको देखो पासवर्ड शो कर देगा, ये देखिए सिस्को। ये सिर्फ दिखाने का पर्पस ये था कि
सेवन है वो मतलब सिक्योर एल्गोरिदम नहीं है, जो सिर्फ सिस्को यूज़ करती है और कोई मतलब इसे यूज़ नहीं करता मेरे ख्याल से। ठीक है, सो इसलिए आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम किस तरह, इसलिए हम एस 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 यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सो बाकी क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।